आज हम आ गए हैं औरंगाबाद में, मतलब सेकेंड डे अपना, और अभी हम आए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का, और इसका बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम है। मराठी में है ना सिद्धार्थ विद्यापीठ? हाँ मराठी में। हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यापीठ को? विश्वविद्यालय। हाँ राइट, यूनिवर्सिटी को सही है, हिंदी बहुत सही है सिद्धार्थ। तो अभी हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा है ये यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी से भी बड़ा है, ठीक है ना? नहीं पुणे से नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी बड़ा है। सिद्धार्थ मेरे को आज दोपहर में मिला है, बहुत बिजी था सिद्धार्थ का आज का दिन। वेल एक्चुअली पुणे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस जो है, फूड वगैरह वो जो ब्रिटिश एरा में मुंबई स्टेट का जो गवर्नर था उसने डिजाइन किया, क्या उसके लिए बनाया था वो? अच्छा वो अकेला पड़ता था क्या उधर, क्या वो रहता था उधर? उसका घर है वहाँ पे, बंगलो यहाँ पे। अभी वो बंगलो जो है महाराष्ट्र का गवर्नर का जो दूसरा हाउस है पुणे में। अच्छा हाँ वो है क्या? वो है, गवर्नर का बहुत हवा रहता है क्या? नहीं आई थिंक गवर्नर ये रहता है ना सिटी का, मतलब स्टेट का हवा नहीं रहता है, सीएम का हवा रहता है। हाँ लेकिन गवर्नर स्टेट का पहला ये रहता है ना नागरिक, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं ना उसको। तो अभी हम यहाँ पे ना इसके अंदर एक बहुत अच्छा बुद्ध लेनी है वो देखने जा रहे हैं। लेनी को क्या बोलते हैं यार, अभी केव्स बोलते हैं ना, केव्स ही है वर्ड। और अगर किसी को प्रॉपर वर्ड पता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि बहुत स्पीड ब्रेकर है और गाड़ी बहुत खराब हो चुका है अभी। तो ये ऐसा प्रीमाइस है, बहुत अच्छा प्रीमाइस है गाइस। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा है, और आप अगर यहाँ पे रहते हो, हॉस्टल भी है ना इधर पे? यहाँ पे हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी सेपरेट है, तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हो पढ़ाई यहाँ पे। यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है। आओ और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बहुत चिल है, मतलब क्या साइलेंट इन्वायरमेंट है, मतलब आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे ना। यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आता है बाहर का, सिर्फ जिनको पढ़ाई करना है वही बंदे यहाँ पे आते हैं, और वो लेनी देखने के लिए कभी कभी टूरिस्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बहुत है ना। और ये हाईवे नहीं है ना, ये हाईवे रहता था तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं रहता। सिद्धार्थ को एक चीज पूछा, सिद्धार्थ मेरा क्लासमेट है बचपन का, तो सिद्धार्थ याद है कि अपना इधर पे ट्रिप आया था, पाटिल सर गौर सर लेके आए थे इधर पे, तब मैंने यहाँ था। हाँ क्या क्यों पता है ना, लेकिन याद आया क्या? स्काउट गाइड के लिए। हाँ स्काउट गाइड वाला ट्रिप था। हमको इधर लेके आए थे, वो भी पैदल स्कूल से इतना दूर तक, मतलब कितना किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर चला के लाए थे हमको। ऐसा हमारा स्कूल था नहीं क्या, लेकिन जैसा था पढ़ा है, मतलब सर्टिफिकेट दे दिया 10th का, वो अच्छा हो गया। वो वेरी फेमस गोका पापा टेकड़ी, दिखाओ किधर है वो सामने, किधर है हम कैमरा में, किधर है, इधर दिख रहा है क्या? नहीं ना कैमरा में नहीं आ रहा है इतना, दिखाई देता है मैं बात आगे से, आगे के मोड से दिखाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट का सेपरेट हॉस्टल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब वर्ल्ड से लोग पढ़ने को आते हैं, ज़्यादा करके क्या कहते हैं उसको, नाइजीरियन लोग पढ़ने आते हैं, गल्फ कंट्री से ज़्यादा आते हैं। गल्फ कंट्री के भी आते हैं क्या यहाँ पे? और हाँ गल्फ कंट्री के भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत चीप है, चीप इन द सेंस मनी के मामले में, पैसों के मामले में, मॉनेटरी टर्म्स से जाके देखे है क्या वो टेकड़ी? तो बहुत ही बड़ा है, मैं तो इधर कभी नहीं आया। हम आए विवेक के बाद। नहीं नहीं ये इधर ऐसा, और ये यहाँ पे ये वाला जो टेकड़ी है वो है, तो ट्रेकिंग के लिए यहाँ पे, ट्रेकिंग के लिए हम यही जाते। हाँ तो सिद्धार्थ क्या कह रहा था कि अफोर्डेबल है यहाँ का एजुकेशन, और फूड भी अफोर्डेबल है ना, मतलब आप रहते हो इधर पे तो सब अफोर्डेबल, इंडिया में सब अफोर्डेबल है भाई, सिर्फ इंडियन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बाहर लोगों के लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि करेंसी उनका ज़्यादा है ना अपने से, इसकी वजह से। बहुत ही सही है, लेकिन गोगा पापा भी ट्रेकिंग के लिए लोग आते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग आते हैं क्या? लेकिन और आते है, सीढ़ी है क्या इधर पे? संडे को तुमको चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हाँ और सीढ़ी है क्या? सीढ़ी नहीं मतलब है, ऐसा ही एक कच्चा रास्ता बना दिया है लोगों ने, चला चला के हाँ। कच्चा रास्ता बन गया है। और ये इधर क्या, ये तो ये है ना वो वैनिटी वैन लग रहा है ना, कोई तो सेलिब्रिटी आया क्या? सेलिब्रिटी नहीं है वो, बुक्स वगैरह कुछ भी रहता है, मतलब बुक्स वगैरह लेके जाने के लिए, क्वेश्चन पेपर वगैरह, साइंस का आना जाना इसी से होता होगा, मतलब सीक्रेट वाला व्हीकल है वो पूरा। तो और एक चीज है, मतलब नहीं क्या, मतलब सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो कपल लोग इधर पे आते हैं ना, सुनहरी महल गया पीछे, तो इधर पे मतलब नहीं क्या सेफ्टी थोड़ा कम है नहीं क्या गाइस?
कपल्स के लिए सेप्टिक कम है गाइस, बाकियों के लिए इट्स बाकियों के मतलब नॉर्मल है, लेकिन कपल के लिए मतलब नहीं है, टॉन्टिंग वगैरह कभी कभी हो जाता है इधर पे। कपल्स लोग पढ़ो यार यहाँ पे, तुम लोग बाकी चीजें करोगे तो टॉन्टिंग ही करेगा। हाँ तो इधर पे मतलब थोड़ा वो वाला सीन बन जाता है ना क्या, औरंगाबाद का क्राउड का टॉन्टिंग वाला, अरे अपने को जाने का है ना इधर से, ये बंदा मेजरमेंट ले रहा है किसी चीज़ का, उसका होने के बाद जाते हैं। सर क्या कर रहे हो, हाँ नीचे रख देना उसने, एक ही सेकेंड ना भाई, तो उन्होंने नीचे रख दिया, अच्छा वेरी नाइस। तो औरंगाबाद का क्राउड हेल्पफुल भी है और कुछ कुछ क्राउड बराबर भी नहीं है, नहीं है, है ना? क्या लगता है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब मेरा भी बचपन औरंगाबाद में ही है बट अभी बहुत चेंज हो गया है औरंगाबाद। तो यहाँ पे सुअर भी है देखने के लिए। That was a really bad joke guys, नहीं क्या लेकिन दिखा तो मैं बोल दिया नहीं क्या। तो यहाँ पे अभी और आगे है ना वो लीनी जो देखने वाले, वो बहुत ही सही चीज है गाइस, नहीं क्या वहाँ पे मंदिर भी नीचे, आपको मजा भी आता है। तो ऐसा है ये चीज, और यहाँ पे आप आपका बाइक भी भगा सकते हो। अरे कितना कर रहे हैं पूरी बहन कपल संस्कृति। तो अगर आप नए हो तो यहाँ पे आप घूम भी सकते हो, है ना? नया बंदा है कोई तो, सिद्धार्थ तो बात ही नहीं कर रहा है, नहीं क्या? तभी किधर, अरे दम से भाई रोड का काम चालू है, किधर जाने का? अभी लेफ्ट ही है ना अपना लॉ डिपार्टमेंट है लेफ्ट में, तो इधर आईएएस कोचिंग सेंटर भी है इधर अंदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड। हां अच्छा ये उनका है ना जो वो क्या है पार्टी की तरफ से प्रोवाइड करता है गाइस, फॉर्म फिल अप करते हैं उनका, जिनका नंबर लगता है उनके लिए है ना ये, मतलब एंट्रेंस है ना इसका भी एक अलग से। लेकिन अभी हमको जाना किधर है, हम जरा अलग ही जगह पे आ गए क्या सिद्धार्थ? नहीं है, हम बस कैंपस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ लेकिन अपने को जहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन का रोड किधर से है? सीधा मंदिर तक गए तो अच्छा, बोर हो जाएगा भाई। हाँ घूम के जाएंगे ना, थोड़ा सा मजे लेके जाएंगे, चलेंगे चलेंगे, थोड़ा दिखा के जाते हैं लोगों को। ये देखो ये कैंटीन है, नहीं अभी गए, वाइट बिल्डिंग था नहीं क्या, लाविश कैंटीन। तो ये कैंटीन के अंदर क्या है, मतलब हर टाइप का फूड मिलता है या सिर्फ लिमिटेड अपना जो है वैसा? फूड के बारे में थोड़ी पता, पर बैठने के लिए हर एक को अलग अलग जगह है, स्टूडेंट्स का अलग, टीचर्स का अलग। अच्छा हाँ अभी हमें लेफ्ट जाना है ना सिद्धार्थ, सीधा ही लेफ्ट जाना। और सिद्धार्थ ने जो एजुकेशन किया है वो है बीकॉम है ना, एमबीए उसके बाद किया ना एमबीए? हाँ तो उसके बाद भी जो किया है फाइनल वाला तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनल वाला तो एमबीए किया है सिद्धार्थ ने, फाइनेंस में ही किया है ना? हाँ फाइनेंस में किया, आपने भी एमबीए किया विवेक राइट? मैं भूल चुका हूँ आई थिंक, लेकिन किसी ने देखा नहीं वीडियो तो मैं बोल देना चाहता हूँ, मैंने भी किया है एमबीए, लेकिन मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का किया था, उसके अंदर सभी था नहीं क्या, और सिद्धार्थ ने फाइनेंस में स्पेसिफिक किया है। हमने पुणे से किया है, विवेक ने यूके से किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी विवेक? कोवेंट्री, कोवेंट्री से। इसका नाम बोलना हमें बहुत दिक्कत, हमको तो बहुत दिक्कत आता है वो यूनिवर्सिटी का नाम लेने में। अब मेरे को आता है क्योंकि मैं तो मतलब नाम तो आना चाहिए ना प्रॉपर जिधर पढ़े हो जगह, इसलिए। अरे सिद्धार्थ हम बराबर तो जा रहे हैं ना, किधर जाने का अभी, लेफ्ट क्या सीधा? सीधा जाने है, हम बाहर निकल जा रहे हैं। हाँ तो गए थे तो फिर से मतलब नहीं क्या, रोड थोड़ा सा हमारा मिसलीड हो गया था, तो हमने फिर से अभी प्रॉपर वाला रोड पे है, तो देखते हैं अभी नहीं क्या डेस्टिनेशन पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। लेकिन बहुत सही कैंपस है ना, एकदम चिल्ड आउट है सब, है ना? ये तो बंदा नहीं, मेरे को लगा रोड पे ही पढ़ाई कर रहा है, फोटो शूट चल रहा था उधर पे, फोटो ले रहा था रे वो बंदा डीएसएलआर से बैठ के। ये यूनिवर्सिटी फोटो शूट के लिए भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, यहाँ बहुत सारे लोग फोटो शूट के लिए आते हैं, प्री वेडिंग शूट क्या हो या कोई सोलो शूट हो आप आ सकते हो। नहीं ये बहुत है अच्छा जगह है, बहुत है मतलब बहुत है, तो गाइस बहुत अच्छा प्लेस है औरंगाबाद मतलब नहीं क्या। और यहाँ पे आपको नहीं क्या ज़्यादा फॉरेनर्स भी दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्ट से आते हैं फॉरेनर्स ने क्या रिसर्च करके, क्योंकि औरंगाबाद है ही ऐसा जगह। तो हमने टर्न कौन सा मिस किया था रे सिद्धार्थ? सीधा ही जाने का ना, अपन पीछे ही चले गए। हाँ तो वैसे एक टर्न हमने रॉन्ग ले लिया था तो हम बहुत आगे चले गए थे नहीं क्या,
मतलब 7-8 किलोमीटर वो हमने वीडियो पॉज किया, उसके बाद भी घूम के आए। ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि आप घूम जाओगे, इतनी बड़ी। हाँ, अगर नया कोई बंदा होगा तो, अभी सिद्धार्थ को तो पता है, फिर भी सिद्धार्थ घूम गया मतलब। नहीं, मुझे तो विवेक को घुमाना था, इसलिए मैंने घूमने का नाटक किया। अरे लेकिन अभी अभी अपन तो बहुत ही, अभी हम सही जा रहे हैं। लेकिन अभी तो एग्जिट की तरफ जा रहे हैं ना, एग्जिट की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ ना, एग्जिट ये ना, ये रोड से ही हम आए थे अभी। ठीक है, झंडे लगे। क्या बात कर रहे हो विवेक, तुमको मैंने राइट लेने के लिए बोला था, तुम लेफ्ट ले लिए यार। नहीं, अभी चालू है ना, सबको पता है कौन टर्न क्या बोले थे, किधर का टर्न मिस कर लिए। तो गाइस यहाँ पे सारे लाइट सोलर के ऊपर है, वो एक अच्छा बात है। पुणे यूनिवर्सिटी का भी सारा सोलर के ऊपर ही है। अभी एकदम तेजी से जाते हैं, नहीं क्या किधर है देखते हैं। आपका बाइक गाइस यहाँ पे आप चला सकते हो अच्छे से, अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है थोड़ा सा तो, क्योंकि औरंगाबाद के रोड का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, नहीं क्या। वैसे तो पुणे का भी ख़राब है, लेकिन थोड़ा पुणे से 1% ज़्यादा समझ लीजिए। अभी सीधा लेफ्ट या राइट, अभी हम लेफ्ट से राइट से ही आए थे ना अपन, अभी पहले हम लेफ्ट घूम के आए ना। बराबर। तो यहाँ पे बाबा साहब का एक स्टैचू है जो कि बहुत ही अच्छा है, और उसके आजू बाजू में गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो व्हाइट येलो वाला बहुत सही दिखता है ऐसा, मतलब नहीं क्या दांतों की तरह दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कितने ट्रीज है ना इधर पे, तो आप आते हो तो मतलब नहीं क्या, आपको पढ़ना भी नहीं होगा तो भी आप विजिट कीजिए। इसके अंदर केव्स भी है तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी आपको अच्छे से लगेंगे, इसलिए नहीं क्या। और मतलब नहीं क्या, बहुत कम यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र में, और ये यूनिवर्सिटी उनमें से वन ऑफ देम है। मतलब नहीं क्या, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, शिवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, और आई थिंक इतना ही ना। और सोलापुर भी है क्या? नहीं, सोलापुर नहीं है। अभी किधर सीधा राइट ना, तो सिद्धार्थ को आप इस पे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सिद्धार्थ भी जर्नी करते रहता है। सिद्धार्थ का आईडी क्या है बताइए, कर देना सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ सिंह आप फॉलो कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नहीं क्या, सिद्धार्थ का भी बहुत सारा जर्नी का वीडियोज रहता है यहाँ आ गया। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो गोवा का टूर का फोटोज वीडियोज डाला है सिद्धार्थ ने, मैंने भी किया था, लेकिन तब मेरे को इंस्टाग्राम क्या है पता नहीं था, नहीं तो मैं भी अपलोड कर सकता था फोटोज, नहीं क्या मेरे। हाँ, अभी राइट ट्रैक पे हम, अरे नहीं यहीं से हम गए थे ना। हाँ, लेकिन रॉन्ग चले गए थे ना, नहीं यहीं से तो सीधा गए थे यार, हम इधर ही घूम रहे हैं क्या। चल इधर के रोड खराब था ना, अच्छा हाँ इधर से। ओके, गॉट इट, माय गॉड, आपको ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा यहाँ पे आप आते हो तो। और ये यूनिवर्सिटी कंटिन्यूसली डेवलप ही हो रहा है, मतलब नहीं क्या बिल्डिंग्स ऐड ही करते जा रहे हैं, होता ही रहता है, तो बहुत अच्छा है। नहीं कि नहीं क्या पीसफुल। और अब यहाँ पे जो टेम्पल है बुद्धा का, उधर भी आप जाके बैठते हो तो बहुत पीसफुल एरिया में, मतलब वहाँ पे तो सिटी का कोई बंदा आता ही नहीं है, नहीं क्या, तो एकदम क्राउडलेस एरिया है। और आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको अगर शांत जगह अच्छी लगती है तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो, टेंपल पे भी और केव्स में जाके भी बैठ सकते हो ऊपर, नहीं है वहाँ पे भी, मतलब छोटे छोटे सेक्शन से जहाँ पे आप ध्यान कर सकते हो, नहीं क्या मेडिटेट कर सकते हो। और अकेले मत आइएगा, नहीं क्या दोस्त के साथ आइएगा क्योंकि कभी कभी यहाँ पे चोरियाँ भी हो जाती है ना, कभी कभी होती है, मतलब कभी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर लक, वन इन मिलियन, लेकिन होता है कुछ ना कुछ, मतलब नहीं क्या इतना, मतलब आजकल तो चोरी कहाँ नहीं हो रही है मेरे भाई। हाँ, वो तो हर जगह होती है, लोगों के घर में चोरी होती है तो। आप देख सकते हो केव्स का व्यू यार, ये बीच में आप देख सकते हो, नहीं ये वाला पूरा केव्स है, और यहाँ पे एलोरा केव्स वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो लोग आते हैं एलोरा केव्स डिफरेंट है, अजंता केव्स डिफरेंट है, औरंगाबाद केव्स डिफरेंट, तो आप आते हो तो फिर लोग ये मिस कर देते हैं, ये वाला एलोरा चले जाते हैं, अजंता चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जाते। तो यहाँ पे आप जरूर आइएगा, नहीं क्या, और इट्स वन ऑफ द मतलब मस्ट विजिट प्लेस है, नहीं क्या औरंगाबाद के अंदर का। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूथ है, यूनिवर्सिटी का यूथ लग रहा है ना, बैग्स वगैरह फोटोशूट, गाइस बहुत फोटोशूट चल रहा है आजकल यहाँ पे, ये क्या फोटोशूट ही चल रहा है सबका। देखा
जैसा मैंने बोला था यहाँ पे फोटोशूट मॉडलिंग बहुत होता है यहाँ पे, मॉडलिंग का फोटोशूट। हर एक बंदे को आजकल मॉडल बनना है, हर एक बंदे को आज हीरो बनना है, एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है। तो हम पार्क कर देते हैं यहाँ पे, कर देगा सिद्धार्थ पार्क। यस, ऐसे तो आप कहीं भी पार्क कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट आप अच्छी जगह देख के पार्क कीजिएगा। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर मैं आपको फिर से व्यू दिखाता हूँ।